स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ एट योर होम। आज हम पढ़ेंगे आपके हिंदी व्याकरण में निबंध लेखन। ओके, लास्ट वीडियो में हमने निबंध लेखन में गाय का निबंध हमने पढ़ा था और लिखा था। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी का निबंध, उनके बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी राइट कीजिएगा, अच्छे से सुंदर राइटिंग में आप राइट कीजिए। ओके, एंड पेंसिल का यूज करेंगे आप। ओके, तो ऐसे लिखिएगा, फर्स्ट में आप ऊपर हेडिंग डालेंगे निबंध, फिर नीचे नेक्स्ट लाइन्स लिखेंगे महात्मा गांधी जी। ओके, फर्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के महान पुजारी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उनका जन्मदिन हर वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ओके, आपको पता होगा ना, हमारे स्कूल में भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। तो वो उस दिन क्या रहता है, गांधी जी का बर्थडे रहता है, उनका जन्म दिवस रहता है, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अविस्मरणीय योगदान दिया। गांधी जी ने सादा जीवन तथा उच्च विचार को अपनाया। नेक्स्ट है पॉइंट, गांधी जी ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया। गांधी जी का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो अहिंसा में विश्वास रखते थे और उसी के बल पर उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर की थी। ओके, इस प्रकार से यह जो निबंध है वह हमने गांधी जी के जीवन के बारे में लिखा और उनकी मृत्यु तक के लिए। ओके, इसके अलावा यदि आपको और भी कुछ पॉइंट्स यदि गांधी जी के बारे में आपको पता हो तो वो भी आप अपने से ऐड कर सकते हैं इस निबंध में। ओके, मैंने खास खास पॉइंट लिखवाए हैं। यदि आपको और कुछ पता हो गांधी जी के बारे में तो वो भी आप अपने शब्दों में निबंध में लिख सकते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो नाउ योर होमवर्क, आप अपनी फेयर नोटबुक में गांधी जी का निबंध जो है अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ओके, मैंने पेन से लिखा है बट आप पेन का यूज नहीं करेंगे। ओके, ओनली पेंसिल यूज करनी है आपको। ओके, और साथ ही साथ लर्न भी करेंगे आप ये गांधी जी का निबंध। ओके, सो मैंने यहाँ 13 पॉइंट लिखवाए हैं, तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, 15 पॉइंट तक आप राइट कर सकते हैं। ओके, तो आप को जो भी आता हो और गांधी जी के बारे में जो भी पता हो या फिर आप जो भी सर्च करके लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, सो नाउ योर होमवर्क, आप ये निबंध को अच्छे से फेयर नोटबुक में अपने कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ लर्न भी करेंगे। ओके, चलिए अब हम जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो गाय का निबंध हमने राइट किया था और लर्न किया था उसे एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ओके, गाय का निबंध हमने पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, गाय एक पालतू पशु है, यह कई रंगों की होती है जैसे काली, भूरी, सफेद आदि। इसके 2 सींग और 2 कान होते हैं, इसकी 2 आंखें व 4 पैर होते हैं, गाय की 1 नाक और 1 लंबी पूंछ होती है, गाय हरी घास खाती है और मीठा दूध देती है, इसके दूध से कई प्रकार की मिठाइयाँ, दही, घी व पनीर आदि चीजें बनती हैं, गाय के गोबर से खाद व उपले, उपले मीन्स कंडे बनाए जाते हैं, गाय की पूजा की जाती है, गाय को हम गौ माता
कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार यह था गाय का निबंध। इसे भी आप अपनी फेयर नोटबुक में आई होप कंप्लीट किया होगा, और जिसने नहीं किया है वो अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके, गाय का निबंध और महात्मा गांधी जी का निबंध दोनों ही आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।